आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार कब खत लिखा था या फिर किसी का खत पढ़ा था? मुझे तो नहीं याद। जब से उंगलियाँ कीबोर्ड पर चलने लगी, हम कागज़ और कलम की खुशबू ही भूल गए हैं। वही खुशबू आपको फिर से याद दिलाने आई हूँ आज। एक खत जो कि पिछले लॉकडाउन में लिखा गया था, इस बार के लॉकडाउन से उसकी यादें ताज़ा हो गई हैं, तो वही खत आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। शब्द हैं आदित्य रहबर के, जिन्हें मैं अपनी आवाज़ दे रही हूँ। जीवन का ये पहला खत लिख रहा हूँ, शायद ये खत नहीं मेरे जज्बात हैं, जिसे कागज़ के सीने पर उकेर रहा हूँ। आधुनिकता इस कदर हावी हो गई कि हम कागज़ की खुशबू ही भूल गए। जो कशिश कागज़ पर लिखने में है वो कीबोर्ड में कहाँ। खैर छोड़ो, पता है लॉकडाउन की तारीख फिर से बढ़ गई और तुमसे मिलने की बेचैनी भी। अब तो मैं कुछ भी लिख ही नहीं पा रहा। जानती हो, तुम होती हो तो आसानी होती है लिखने में, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर कलम अपने आप चलने लगती है। मानो जैसे सब कुछ चेहरे पर लिखा हो और मैं नकल करता जा रहा हूँ। पता है आज तुम्हारी हंसी बहुत याद आ रही है, वो जब तुम चेहरा झुकाकर सबसे नज़रें चुराकर हंसती हो, देखने का बहुत जी हो रहा है। मैं अक्सर जब नर्वस होता हूँ, ये दुनिया, यहाँ के लोग अनजाने से लगने लगते हैं। जब तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है, तुम्हारी वो मासूमियत से लबरेज मुस्कान मुझे ज़िंदा कर देती है। अब देखो ना, तुम नहीं हो यहाँ, तो तुम्हारी यादें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे भाव सब मेरे कमरे की दीवारों पर अटखेलियाँ सी करते हैं और मुझे बार बार चढ़ाते हैं। मैं भी उन्हीं में खोया, कभी ख्वाहिशों के मेले में तो कभी ख्वाबों के समंदर में खुद को भूलता जा रहा हूँ। बस एक चीज़ जो नहीं बोल पा रहा, वो तुम्हारी याद। अरे छोड़ो, कहाँ मैं ये सब लिखने लगा। अच्छा ये बताओ कि कैसी हो? उम्मीद है अच्छी होगी, पहले से बेहद हसीन भी। पता है तुम जब भी मुझसे पूछती हो कि वहाँ का मौसम कैसा है, अक्सर तुम्हारी ही उपमा देता हूँ, एकदम खुशनुमा और हसीन। आज जब बारिश हुई तो फिर भीगा मैं तुम्हारी यादों के साथ। अरे हाँ, तुमने जो वो गज़ल भेजी थी नुसरत साहब की, पता है दिन भर में दो चार बार सुन ही लेता हूँ और ऐसे ही हर समय गुनगुनाता रहता हूँ। ये गाना मुझे बेहद करीब कर देता है तुम्हारी। यूँ तो बहुत पहले से ही गीत और गज़लों को सुनने का शौक रहा है, मगर जब से तुमसे मिला हूँ उनके मायने समझ आ गए हैं। अब तो आदत सी हो गई है तुम्हारे भेजे गानों को सुनने की। यार तुम्हारी समझ कितनी अच्छी है गीत और गजलों को लेकर, मैं तो अभिभूत हो जाता हूँ तुम्हारे इस शौक से। तुमने जो वो सादगी तो हमारी जरा देखी सुनाई थी ना, वो तो मेरी जुबान पर रहती है हरदम। उस गाने को गाते और सुनते वक्त लगता है जैसे तुम मेरे पास हो। मालूम नहीं कब वो दिन आएंगे जब हम फिर से गानों पर चर्चा करेंगे। क्या सच में कोई चंद लम्हों में इतने करीब आ जाता है कि फिर उसके बिना रहा ही ना जाए? ये सवाल बार बार कौनता है मेरे मन में, और जवाब के वक्त बस एक तुम्हारी तस्वीर होती है। मैं खत लिखना रोक नहीं पा रहा, मगर क्या करें, रुकना तो दस्तूर है। ठीक है, ख्याल रखना, पता नहीं कब मिलेंगे, पर उम्मीद है कि मिलेंगे ज़रूर। मुझे नहीं पता कि खत को कैसे समाप्त किया जाता है। लिखना समझ नहीं आ रहा, जी कर रहा है कि बस लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ। खैर सुनो ना, सोचता हूँ कि इन छुट्टियों में तुम्हारी यादों से भी कुछ दिन की छुट्टी पा लूँ, मगर कमबख्त ये यादें भी बढ़ती ही जा रही हैं। लगता है तुम्हारी याद और ये छुट्टियाँ एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। शायद अब छुट्टियों से नफरत सी होने लगी है।
क्योंकि ये छुट्टियाँ मुझे आराम नहीं दे रही और बेचैन कर देती हैं। अंत में तुम्हारा कौन हूँ ये लिख नहीं पा रहा, क्योंकि ना मैं तुम्हारा कुछ हूँ और ना तुम मेरी। समझ नहीं आ रहा कि हमारा ये रिश्ता कैसा है, मालूम ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरी इस आम सी ज़िंदगी में बेहद ख़ास हो तुम तो।